बारहवीं यूनिवर्सल इंडो नेपाल ओपन कराटे चैंपियनशिप 2019 में जिला रामपुर के कस्बा शाहबाद नगर के रहने वाले गौरव कुमार ने 70 से 75 किलोग्राम के भार में खेलते हुए स्वर्ण पदक जीता है। आपको बताते चले कि गौरव कुमार ने इससे पूर्व में भी इंडो नेपाल चैंपियनशिप में 2018 में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। मीडिया से बातचीत के दौरान गौरव कुमार ने बताया कि उन्होंने हाल ही में बारहवीं यूनिवर्सल इंडो नेपाल ओपन कराटे चैंपियनशिप 2019 में 70 से 75 किलोग्राम के भार में खेलते हुए स्वर्ण पदक जीता है, जिसका आयोजन नैनीताल के शैली स्टेडियम में हुआ है, जिसमें नेपाल भारत के अलावा विभिन्न प्रदेशों की टीमों ने हिस्सा लिया। गौरव ने कहा कि इस बार मेरा लक्ष्य स्वर्ण पदक जीतने का था, जिसे ईश्वर की कृपा से और मेहनत से मैंने प्राप्त किया। मेरी सफलता का पूरा श्रेय मेरे परिजनों एवं कोच सियान अजीम अली को जाता है। गौरव के पिता करण सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने हमेशा गौरव की प्रतिभा की कदर करते हुए उनका हर जगह साथ दिया है। अब वो इंटरनेशनल खेलों में भारत की ओर से खेलकर भारत का नाम रोशन करें, सबसे बड़ी उपलब्धि उनके लिए यही होगी। माता जी, आपके बेटे ने जो है गोल्ड प्राप्त किया है जूडो कराटे में, इसका श्रेय क्या देना चाहेंगे आप? किस तरीके से इन्होंने मेहनत की, आपका क्या सहयोग रहा बताइए। हमारा पूरा सहयोग रहा था और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, हमें बहुत खुशी है। आगे इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आगे यह है, ये अपना खूब खेलते रहें और हमारा भारत का नाम रोशन करते रहें और अपने माता पिता का सम्मान करें। करण सिंह है, मैं यहाँ हेल्थ सुपरवाइजर के पद पर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद पर तैनात हूँ और गौरव ने एक चैंपियनशिप जीती है, इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मेरा सहयोग हमेशा इनके साथ रहा है और आगे भी भविष्य में जहाँ भी कहीं जाएंगे ये कराटे चैंपियनशिप में हमेशा साथ रहेगा और मैं चाहता हूँ, मुझे पूरा गर्व है कि ये विश्व लेवल पर अपना नाम रोशन करें और देश के लिए खेलें। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। एक पिता के तौर पर आपका क्या सहयोग इनके लिए अहम रहा? मेरा जहाँ तक है हर स्तर पे, चाहे फाइनेंशली हो या स्वास्थ्य संबंधी हो, हर स्तर का मेरा सहयोग रहा है। हर माता पिता का अपने बच्चों के प्रति रहता है, वही मेरा भी यही उद्देश्य है, मेरा भी इनके साथ यही उद्देश्य है। मेरा नाम गौरव कुमार है और नैनीताल में बारहवीं यूनिवर्सल इंडियन नेपाल ओपन कराटे चैम्पियनशिप हुई थी, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल आया है और इस जीत का श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा, जिन्होंने हर स्टेज पे जीवन के मेरा साथ दिया है, मुझे प्रेरित किया है खेलने के लिए। और मेरे जो कोच हैं शियान अजीम मलिक सर, उन्होंने मेरे ऊपर पूरा विश्वास जताया, मुझे काफ़ी कड़ी मेहनत करवाई, जिससे कि मैं इस उपलब्धि को मैंने हासिल किया है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और गौरव जी, इससे पहले भी आपने कुछ पदक जीता था? जी, इससे पहले मैं 2018 में भी मेरा सिल्वर मेडल आया था, इंडो नेपाल कराटे चैम्पियनशिप थी और मेरा नेशनल लेवल पर भी सिल्वर मेडल आया है, जो कि बेंगलोर में थी, और मेरे 4-5 गोल्ड मेडल आ चुके हैं, 2-3 सिल्वर मेडल आ चुके हैं। गौरव जी, इस फील्ड में आप गए, क्या सोचकर आप इस लाइन में आए? जो खेल के प्रति मेरी जो भावना है बहुत अच्छी है और हर व्यक्ति को, हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए किसी ना किसी खेल से जुड़े हुए होना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि वो कोई ना कोई खेल खेलें और विश्व में भारत का नाम रोशन करें। चाहेंगे, मैं यही कहना चाहूँगा कि वो भारत का नाम रोशन करें, दिल से खेलें और खूब मेहनत करें, और उनके माता पिता से, बच्चों के माता पिता से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, वह जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, कौन सा खेल उन्हें पसंद है, जिसमें मेहनत करना चाहते हैं, उन्हें सपोर्ट करें ताकि वह आगे, बहुत आगे तक जाएं। आगे और क्या करने का इरादा है आपका? मैं चाहता हूँ कि मैं भारत के लिए विश्व में इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, अंतर्राष्ट्रीय कराटो जो कराटे चैम्पियनशिप होती है उसमें जाऊँ, ओलंपिक में जाऊँ और अपने भारत का नाम रोशन करूँ। सरकार से कुछ मदद चाहते हैं आप? सरकार से बस यही मदद चाहते हैं कि जो लेवल के हैं हर खिलाड़ियों को, मतलब सपोर्ट करें
ताकि वह बहुत आगे तक जाएं, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनमें बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं जो आगे तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं सरकार से ये चाहता हूं कि उन्हें सपोर्ट करें, जितने भी छोटे खेल हुए हैं, और खेल कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन हर खेल को सपोर्ट करें, जो बच्चे हों, जो बच्चे हैं गरीब परिवार से जिन प्रतिभा हैं उन्हें सपोर्ट करें फाइनेंशियली, यही चाहता हूँ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।